अग्निनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनु भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः देव्यै भगवत्यै नमः असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्ड झञ्झाविरोध सक्षम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालं नमामि परं महाकालं नमामि श्री राम भक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं आज आठवां दिन है सात दिन से कंटिन्यूस स्वाध्याय चल रहा है भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोगों के मन में भी इसी तरह से कुछ भक्ति का भाव पैदा हो आप सबके मन में भी श्री राम के प्रति स्नेह प्रेम ममत्व अपनत्व समर्पण की भावना पैदा हो और श्री राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं अवतारी सत्ता हैं उनके कई रूप हैं जिसमें वो विद्यमान हैं और हम उनका नमन करके उनका वंदन करके हम एक प्रकार से अपने जीवन में राम तत्व को धारण करने की कोशिश करते हैं भगवान राम की वंदना भगवान राम का साध ध्यान भगवान राम की चर्चा शंकर जी शिव जी भी करते हैं अक्सर शिव पार्वती संवाद में श्री राम की चर्चा का वर्णन आता है विष्णु के अवतार हैं पर बड़ा विशेष अवतार है क्योंकि अगर वो ना आते शायद तो ये जो इतना पुण्य और इतना धन संपदा का धनी पुण्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ जानबूझ के बोल रहा हूँ पुण्य का धनी था रावण पुण्य बहुत था उसके पास तप बहुत था उसके पास वो मरता नहीं उसको मारने के लिए भगवान से कम कोई चाहिए नहीं था भगवान इसीलिए आए भगवान इसी काम के लिए आते हैं जब विशेष काम होता है ज़रूरत होती है तब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आज हम अंतिम दिन है आज हम अयोध्या कांड से चलेंगे और लंका कांड और उत्तरकांड इन तीन के भी छोटे छोटे प्रसंग लेके समापन कर देंगे एक घंटे में समापन हो जाएगा आज पूरा पर जो आज प्रसंग है वो है मुमुक्षुत्व का मुमुक्षुत्व यानी अंतिम स्थिति जब षड रिपु से विजय प्राप्त कर ली उसके बाद गीत है श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा बुहारती है निष्काम भाव शबरी ऋषि पथ बुहारती है शबरी निष्काम भाव से पथ को साफ कर रही है कि भगवान कब आ जाए मालूम नहीं और कांटे निकाल रही है वहाँ से ताकि भगवान आ सकते हैं श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा बुहारती ये बहुत सुंदर गीत है पूरी पूरी अपनी आज कथा का जो सार है उस पर केंद्रित श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है श्रद्धा उभारती है राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है श्रद्धा उभारती है निष्काम भाव सबरी निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ उभारती है श्रद्धा उभारती है राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है श्रद्धा उभारती है
जटायु ने थे प्रभु भक्ति के तराने, काये जटायु ने थे कब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुंची नजल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुंची नजल चढ़ाने। पर भक्ति भावना से जीवन संवारती है, जीवन संवारती है। श्री राम भक्ति ऐसे श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। हनुमान भक्त ऐसे माला घुमान पाए, हनुमान भक्त ऐसे माला घुमान पाए। श्री राम को पूजा पाओ के वट चढ़ा न पाए, श्री राम को पूजा पाओ के वट चढ़ा न पाए। चरित्र पावन प्रतिभा निखारती है, प्रतिभा निखारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। बरस जगे तब लक्ष्मण में शक्ति आई, बारह बरस जगे तब लक्ष्मण में शक्ति आई। शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाए, शासक भरत बने पर आसक्ति छू न पाए। तब श्रेष्ठ भक्त जगती इनको पुकारती है, इनको पुकारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। भक्त हम कहाए तो श्रेष्ठ काम करना, यदि भक्त हम कहाए तो श्रेष्ठ काम करना। श्री राम काज करने अन्याय से न डरना, श्री राम काज करने अन्याय से न डरना। युग धर्म को निभाने प्रज्ञा पुकारती है, प्रज्ञा पुकारती है। श्री राम भक्त ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी, ऋषिपथ उभारती है, श्रद्धा उभारती है। ऋषिपथ उभारती है, श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। हमारे स्वाध्याय के
और चिंतन मनन की इस अंतिम क्लास में नवरात्रि के रामनवमी के दिन बैठे हुए हैं सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे आमंत्रित अतिथि, हमारे विश्वविद्यालय के सब स्टाफ के सभी सदस्य और हमारी बहनें, हमारे भाई। आज का दिन जो है इसमें हम अष्टमी और महागौरी दोनों का पूजन करते हैं। सिद्धिदात्री और महागौरी दोनों का पूजन करते हैं। महागौरी एक ऐसी शक्ति है जो चेतना की उच्चतम सोपान में हमको ले जाती है, चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय करती है, चेतना में एक इस प्रकार की सफाई आती है, क्लीनलीनेस आती है कि हमारे चेतना में कहीं कोई विकार नहीं रह जाता। आज विडंबना क्या है, आदमी नारी के खिलाफ अत्याचार करता है और जब लड़की होती है तो रोता है, लड़की पैदा होती है तो कहता है कि नहीं हमने तो लड़का मांगा था। लड़की और लड़की में भेद क्यों, किस तरह की बातें कर रहे हो? लड़की होती है तो मारता है उसको, गर्भ में मारता है, परंतु गौरी की पूजा करता है, पूजा गौरी की करता है, गौरी पूजन होता है, वहाँ से शादी होती है। अष्टमी के दिन नारी का पूजन करता है, कन्या पूजाने के लिए बुलाता है घर में कि नारी हमारे यहाँ गौरी कन्या आए, कन्या भोजन के लिए जगह जगह घूमता है। पर जब सात्विकता का उदय होता है, देवता महाकाली भगवती के पास आते हैं, हिमालय में स्तुति करते हैं, जो प्रकरण है पाँचवें अध्याय में जो आया है बहुत अच्छा प्रकरण आया है, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप में की रूप की प्रशंसा, शुंभ के नाम उनके द्वारा दूध भेजना, दूध का निराश होना भी, शुंभ निशुंभ का वध यहाँ होता है अंतिम स्थिति में, इसके पहले रक्त बीज का हो जाता है, धूम्रलोचन का हो जाता है, चंडमुंड का हो जाता है, पर अब अंतिम जो है शुंभ निशुंभ सबसे खतरनाक है, दोनों दोनों ये अंतिम हमारे जो राक्षस हैं। पार्वती जी जब गंगा जी से नहा के निकली तो इतनी सुंदर लग रही थी, उनके बाल नीचे तक पड़े हुए, सबके बाल गीले देखे तो उन्होंने, असुर तो भ्रमित हो गए बुरी तरह से, और उन्होंने उनके सौंदर्य को देखते हुए कहा कि हे नारी तुम हमसे शादी करोगी, राक्षसों ने कहा। अब असुर तो यही कहेगा, वो तो समझ ही नहीं पाएगा, असुर भ्रमित हो गए और देवता जो हैं उन्होंने स्तुति की, दिया देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता श्रद्धा रूपेण भक्ति रूपेण, इस प्रकार से करीब करीब 37-38 स्तुतियाँ हैं। हिमालय में स्तुति होती है और पार्वती गंगा जल में नहा के निकलती है। चेतना का सुषुम्ना में स्नान, चेतना का सुषुम्ना में स्नान, सुषुम्ना नाड़ी जो अंतिम होती है तीसरी, ये सूक्ष्म जगत में हमारी कुंडलिनी है, कषाय कलमशों को पार करके और श्वेत प्रकाश शुभ्रवर्ण वृषभ पर सवार कालिका वाली जो कालापन लिए हुआ आई थी उसके ऊपर गंगा शंकर जी गंगा जल छिड़क देते हैं तो गोरी हो जाती है, ये महागौरी है। और धर्म में समाधि की स्थिति में चलता साधक जीवन मुक्त साधक हो जाता है, सामिप्य सालोक्य सायुज्य सब कुछ मिल जाता है उसको, पूर्णता है पर पर्दा बीच में अभी है। इस पर्दे को सिद्धिदात्री तोड़ती है और सिद्धिदात्री योगेश्वर देती है, भोगेश्वर नहीं, भोगेश्वर से योगेश्वर में कन्वर्ट कर देती है इच्छाओं को। योगेश्वर में इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि सब कुछ हमारे जीवन में जो अच्छा है वह हमको मिल सकता है। ये आज की देवी सिद्धिदात्री और महागौरी, ये आज की देवियों की कथा थी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका होऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके संरक्षण में संपन्न हो रही इस क्लास में बैठे सभी परिजन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो षट संपत्ति है इसके द्वारा जो उपार्जित की गई शम दम उप्रति तितिक्षा वैराग्य विवेक, साधक ने अपने गुणों को में इनको समाहित किया, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद ये जीवन से निष्कासित हुए और इसके पश्चात 6 चरणों में से प्रत्येक चरण अति दुष्कर है, इसके बाद
एक चीज रह जाती है षट संपत्ति के अर्जन के बाद, वो रह जाती है विसर्जन के बाद, भक्त और भगवान में कोई अवरोध नहीं बचता, बचता बस एक बच जाता है, मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व यानी ऊँचा उठने की अभिप्सा, ऊँचा उठने की आकांक्षा। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय, ये तीन चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। आचार्य शंकर कहते हैं अपनी ग्रंथ में, मनुष्यत्व पाना, मनुष्य मनुष्य शरीर पाना तो आसान है, लेकिन जो प्रकृति से मनुष्य हो उसको जीवात्मा को अगर ऊँचा उठने की आकांक्षा न पैदा हो तो क्या फ़ायदा, सामान्य जीवन जिया चले गए। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संशय, आश्रय मिल जाए। तो ये जो आज का जो हमारा दिन है, ये इसमें हम जो चर्चा करेंगे मुमुक्षत्व की प्राप्ति, इसमें दो चरण हैं। प्रथम चरण है राम की कृपा प्राप्ति, जो मैं कल बता चुका हूँ, फिर भी आज थोड़ा रिपीट करूँगा। खड़ा हो पाना, परीक्षक राजर्षि जनक, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। द्वितीय चरण है नंदीग्राम की तपस्या। नंदीग्राम में भरत बैठ के तपस्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं हनुमान जी, दो बार परीक्षा लेते हैं। ये जो भरत जी के जीवन में संत हैं, वशिष्ठ हैं, जनक हैं, भरद्वाज हैं, सब संत हैं। ऐसा हो जाए तो राम मिलेंगे जरूर, राम का मिलन होगा अवश्य। तो मुमुक्षत्व को दृढ़ करने के लिए कठोर तप जरूरी है, कठिन तप। हालांकि तप का परिणाम षट संपत्ति का अर्जन भी है, लेकिन तप पूर्ण तप होगा जब बुद्धि बोध में परिवर्तित हो जाए। हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम कहते हैं रैशनल इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी की बात करती है, तर्क करती है, वो बुद्धि बोध में बदल जाए, बोध में रूपांतरित हो जाए। तो भरत जी अपने जीवन में मुमुक्षत्व की ओर कदम रख चुके हैं, पर अभी मुमुक्षा को प्राप्त नहीं किया है, कोई समझौता नहीं, सिर्फ सत्य, सिर्फ परमात्मा। भरत जी को न लोक चाहिए न परलोक, कुछ नहीं चाहिए उनको, राम और बस राम चाहिए। उन्हें रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, उनकी परीक्षा हो चुकी। उन्हें राज्य नहीं चाहिए, उनकी परीक्षा हो चुकी। लौकिक उपलब्धियाँ नहीं चाहिए, उनको अलौकिक विभूतियाँ भी नहीं चाहिए, पारलौकिक विभूतियाँ भी नहीं चाहिए। पतंजलि कहते हैं तद वैराग्यदपि दोष विज क्षय कैवल्यम। कैवल्य का चरण आ जाता है, बोध का चरण आ जाता है, भरत को कुछ नहीं चाहिए, राम जिस शर्त पे मिलते हैं उस शर्त पे मानने के लिए तैयार है। अगर इतने से भी सस्ते मिल जाए राम तो बहुत बड़ी बात है। अगर भगवान के बारे में कहा गया है हरि सिर कटवाने पर भी मिल जाए तो भी सस्ता सोता है, शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने पर भी अगर भगवान मिलते हो तो बहुत सस्ता में मानना चाहिए। अहंकार जब जाता है तो श्रीहरि मिलते हैं। अहंकार के दो ही मित्र हैं, राग और द्वेष। अहंकार के दो मित्र हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं अहंकार के साथ, मैं और मेरा, तू और तेरा। बस ये मैं और मेरा का भाव वो देता है राग, और तू और तेरा का भाव देता है द्वेष। अगर ये चला जाए तो बस मुमुक्षत्व बचा है, इसके बाद और कुछ नहीं। भरत जी इस चरण में पहुँच चुके हैं, वो मैं और मेरे से भी निकल चुके हैं, तू और तेरे से भी निकल चुके हैं। मुमुक्षत्व पक्का है नहीं, भरत जी कितने पक्के हैं इस बात की परीक्षा है, इस बात के लिए कई परीक्षक लेते हैं परीक्षा। हनुमान जी राम मिलन के लिए जीव की चेतना तैयार है कि नहीं, वहाँ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ज्ञान संपूर्ण हो या भक्ति संपूर्ण हो तो भगवान मिल जाते हैं, भक्ति अपूर्ण हो तो भगवान नहीं मिलते। संसार और परमात्मा एक जगह पर बसते नहीं हैं, दोनों एक साथ नहीं रहते। मैं कई बार कहता हूँ अपनी क्लास में, पहले भी कह चुका हूँ, अपनी इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, संसार और परमात्मा। आपको थोड़ा थोड़ा संसार अपने साथ रखना पड़ेगा, परमात्मा का पूरा अंश अपने जीवन में धारण करने की एक आपको दृढ़ निष्ठा रखनी पड़ेगी। क्योंकि संसार जब पूरा हो जाएगा मन में और शरीर में, कण कण में बस जाएगा, तो फिर आप पूरी तरह से भगवान से दूर चले जाएंगे। इसलिए संसार और परमात्मा दो ही चीज़ें हैं, वासना और उपासना एक साथ नहीं रह सकते, एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, वासना और उपासना। भरत के पास कई बातें रखी गई, कितनी बातें जनक ने कही, जनक ने कहा वरणी स प्रेम भरत अनुभाव, जे जे की रुचि लखी कह राओ, बहुरू लखन भरत मन जाए। भाई भरत वन चले जाए, लक्ष्मण की जगह, राम ही भरत को प्रिय है तो भरत अयोध्या में रहे ही नहीं। वशिष्ठ ने कहा राम भी लक्ष्मण के साथ रहना चाहते हैं, बात वन की है, भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएँ और राम लक्ष्मण अयोध्या में आ जाए। ये सब पूरी पूरी बात हम कल कर चुके हैं, फिर भी कि कई तरह के तर्क हुए, क्या क्या समझौता निकलेगा। फिर उसके बाद राम अयोध्या के राजा बने, राम को उनका सिंहासन मिले, फिर तो 14 वर्ष के बाद छोड़ो, मैं तो संपूर्ण जीवन ही वन में निवास करूँगा, एक दिन भी नहीं कहूँगा मुझे अयोध्या जाना है। भरत के रहे, मैं वन में संपूर्ण जीवन रहने के लिए तैयार हूँ। संसार के नियम हैं और ये घटना संयोगवश घटित हो गई। हमें कई बार लगता है हमारे हमको अपने बारे में, हमारे जीवन में जो घटना घटी, हमारा जन्म जो हुआ, ये
हमारे माता पिता कैसे बन गए, हम इनके घर में पैदा कैसे हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये संस्कार और कर्म का मिलन होता है, संस्कार और कर्म का मिलन, कि आप किसी विशेष घर में पैदा हुए, किसी विशेष माता पिता के घर आप उनके बेटे बने या बेटी बने। जिस घर में आपका जन्म हुआ है संयोग नहीं है, ये किसी न किसी कर्म का परिणाम है, किसी न किसी संस्कार का परिणाम है। विवाह हुआ लगता है संयोग था, मिले, परिचय बड़ा, बात बनी, विवाह हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं देर इज़ नो कॉन्सिडेंस इन दिस लाइफ, देर इज़ नो कॉन्सिडेंस, यहाँ कोई संयोग नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ प्री प्लांड है, पूरा के पूरा। इस जीवन में कोई संयोग विषय नहीं है, कार्य और कारण का संबंध होता है, कोई कारण होता है तो कार्य घटित होता है। अब ऐसा लगता है हम ये कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, होता नहीं है, श्रृंखलाएँ टूट जाएंगे। भरत शत्रु, अगर भरत और शत्रुघ्न मन में रह जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, फिर थोड़े दिन उन्होंने तपस्या की, थोड़े दिन भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न को अगर थोड़े दिन ज़्यादा भी छोड़ देते हैं जंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या में राज्य करते हो तो रावण का क्या होता, रावण के कोप और आतंक का विनाश कैसे होता। ये पूरी पूरी जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसका पूरा पूरा एसेंस है यहाँ पे। अगर सीता लंका नहीं जाती तो रावण के पापों का घड़ा कैसे भरता, किस विधि से कितनी सारी कड़ियाँ जुड़ी थी, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी थी, शबरी का उद्धार कैसे होता, महर्षि मतंग का वचन सत्य कैसे होता, मतंग ने कहा था राम आएंगे बेटा, कबंध और बाली जैसे दो असुर कैसे मारे जाते, बाली असुर नहीं था पर बाली जो था वो उसके अंदर जो दुष्टता आ गई थी वो कैसे मारे जाते, खरदूषण और तिश्रा का क्या होता, सुग्रीव का क्या होता, सेतुबंधन कैसे होता, रामेश्वरम की स्थापना कैसे होती, सारी कड़ियाँ तो राम की वन यात्रा से जुड़ी थी, इसलिए राम का रुकना जरूरी था ताकि राम वन यात्रा करें और वन यात्रा करके पूरा के पूरा रामेश्वरम तक जाकर रामेश्वरम की स्थापना करें, सारी कड़ियाँ राम की वन यात्रा से जुड़ी थी। अगर भरत चले जाते तो ये सब घटना नहीं घटती, इसलिए भरत वापस जाते हैं, शत्रुघ्न वापस जाते हैं, रानियाँ अपनी माँ माताओं तीनों माताओं को लेके जाते हैं, और वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो ये पूरे का पूरा जो है एक विधि का विधान है जो बना है। नारायण ने अवतार इसीलिए था, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कराम, भगवान श्री राम ने माता सीता से खरदूषण के वध के पहले कहा, खरदूषण का जब वध करने के लिए जा रहे थे बाहर तो उन्होंने कहा करो अग्नि में वासा, तुम अग्नि में वास करो, सीता से कहते हैं तब तक करो निशाचर नाशा, जब तब तक करो जब तक मैं निशाचर को मार के आता हूँ, तुम तो अग्नि में निवास करो हे जनक सुता, तुम क्यों फालतू में चक्कर में पड़ती हो, तुम तो अग्नि में निवास करो, मैं मार के आता हूँ खरदूषण को, मार के मैं आता हूँ, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, राम प्रतिज्ञा ले चुके हैं निश्चरहीन कर दूंगा धरती को। राम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, रामशालीन हैं, राम इस तरह की बहुत उग्र उग्र बात करते नहीं हैं, पर जब कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं, मैं धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये घटनाएं कैसे घटित होंगी, प्रकृति प्रत्येक जीवात्मा का स्थान सुनिश्चित करके रखी है उसके कर्मों के अनुसार। आप लोग सब जो जन्मे हो ना, आप लोगों के लिए भी सबके लिए कर्म निर्धारित हैं, क्या क्या कर्म करना है आपको, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ क्या काम करोगे, कई चीज़ें तुम्हारे जीवन में कई घटनाक्रम घटेंगे जिसको तुम बाद में सोचोगे तब पता आएगा चलेगा, जब विवेक पैदा होगा तब पता चलेगा कि वास्तव में ये घटित होना ही था, ऐसा ही होना था। मान लीजिए देखिए मेरी बात सोचो, मैं यहाँ आ गया तो फिर मुझे MD क्यों करवाया, गुरुदेव नहीं करवाया, मैंने MBBS किया, MD किया, और उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं नौकरी की, मैंने एग्ज़ाम के लिए बाहर जाके एग्ज़ाम पास किया, और मुझे विदेश जाने की इच्छा पैदा हुई मेरे मन में, जैसे राम भरत के मन में जरा सा भी लौकिक सुख पारलौकिक सुख किसी तरह के सुख की इच्छा नहीं पैदा हो रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुख की भाव इच्छा पैदा हुई थी कि मुझे तो जाके हमें पैसा कमाना है, मुझे आने के बाद पैसा उस पैसे से हॉस्पिटल बनाना है, मुझे सेवा करनी है जन जन की, मैं तो जगह भी देख के आ गया था कहाँ मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊँगा, पर गुरुदेव ने मना कर दिया, गुरुदेव ने कहा नहीं सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, लाओ तुम्हारा प्रमाण पत्र लाओ, प्रमाण पत्र लिया वो फाड़ के कचरे की टोकरी में डाल दिए, प्रमाण पत्र मतलब जो मुझे डिग्री मिली थी और जो मुझे वहाँ से आमंत्रण मिला था अमेरिका से, 10 जगह मुझे नौकरी मिली थी और मैं 1975 में चला जाता तो आज मैं शायद पूरी तरह से आकंठ भौतिकवाद में डूबा होता, परंतु ऐसा क्यों हुआ ये आप सोचिए, आपके साथ भी कभी कुछ हो तो ये सोचना कि अगर अध्यात्मवाद मेरे जीवन में उस समय समाविष्ट हो गया होता, मैं आपके जीवन में अध्यात्मवाद प्रविष्ट कराने के लिए आया हूँ,
आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा 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 अध्यात्म का रसास्वादन करो, अध्यात्म को जीवन में लो। साधु संतों के साथ मारी मारी फिर रही है मैं कृष्ण प्रेम में मीरा, लोक लाज खोई। मीरा तो लोग कहते हैं चरित्रहीन थी, चरित्रहीन तब न मीरा को परेशान रहेगी, मीरा तो निर्दोष है, मीरा निष्कलुष है, मीरा तो ईश्वर प्रेम में डूबी हुई, लोगों के कहने से क्या होता है। भक्त को तो परेशानी होती है जब उसके अंदर कलंक के दाग हों, भक्त की चेतना तो निष्कलुष और निष्कलंक रहती है, लोगों के कहने से क्या होता है। लोगों के कहने से क्या सूर्य जो है उस पर दाग पड़ जाएगा, लोगों के कहने से क्या अंधकार हो जाएगा। सूर्य तो आना है, अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना आ रहा है, कितना भी अंधेरा हो सूरज तो आएगा ही। सभा में भरत ने भैया राम से कहा जिसमें राम प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ राम की प्रसन्नता है तो निर्णय कौन देंगे, राम निर्णय देंगे। राम की प्रसन्नता जो है वो उस पर डिपेंड करता है। भरत सील गुरु सचिव समाजू सकुच स्नेह विवस रघुरा, पूरी पूरी पार्लियामेंट बैठी हुई है, आप देखिए कौन कौन बैठा हुआ है, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण, और वहाँ बैठे हुए हैं वशिष्ठ मुनि, वहाँ बैठे हैं जनक, वहाँ बैठे हैं और भी लोग जो ऐसे बैठे हैं जो विद्वान हैं जो इस बात का निर्णय करने में मदद कर सकते हैं। प्रभु करी कृपा, सभा में भरत ने भैया राम से कहा जिसमें राम प्रसन्न, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, प्रभु ने कृपा की अपनी पाखुड़ी अपने पाँव से निकाल करके अपनी खड़ाऊ दे दी उन्होंने, खड़ाऊ पांवरी पद त्राण, संस्कृत में कहें तो पद त्राण और अवधी भाषा में कहें तो पांवरी और अगर हिंदी में कहें तो खड़ाऊ। भगवान ने कृपा करके भरत को आधार दिया, तुम राजा नहीं बनना चाहते, अयोध्या का राज्य मेरा रहे, मैं ही अयोध्या का सम्राट बनूं, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर मेरे बिहाव पे तुम शासन करोगे अयोध्या में बैठकर और तुम्हें अभी षट संपत्ति मिल चुकी है, उसके बाद मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना है, अभी मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना है, उसके बाद तुम प्रखर होकर के निकलोगे पूरे पूरे, क्योंकि दशरथ की द्वारा चलाया हुआ शासन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शासन था, पूरा भारत का साम्राज्य उसके अंतर्गत आता था। अयोध्या की व्यवस्था देखना, अयोध्या का सम्राट मैं रहूँगा, और भरत अयोध्या वापस आ गए मुमुक्षुत्व का व्रत लिए हुए, ईश्वर मिलन की अभिलाषा लिए हुए, चेतना को निष्कलुष बनाने के लिए भरत वापस आ गए। बड़ा मुश्किल काम है, बड़े संकल्प के साथ गए थे, बड़े दृढ़ संकल्प बड़ी इच्छा के साथ गए थे, पर बहुत खुश हो गया है, क्यों, क्योंकि राम से मिलना हो गया, राम से आदेश मिल गया कि राम ही राजा रहेंगे, मैं राजा नहीं रहूँगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे नियमों के साथ रहूँ, आपकी आज्ञा हो। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र तुम अगर आज्ञा लेना चाहते हो तो नियम पूर्वक रहो, 14 वर्षों को कठोर तपश्चर्या में बिताओ, इन 14 वर्षों कठोर तपश्चर्या में बिताओ। बड़ा मुश्किल है, राम है नहीं पास में, पूरे राज्य की देखरेख भी करनी है, पूरे राज्य में कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आएंगी वो भी संभालना है पूरा पूरा, और उसके साथ साथ उनको जो है कठोर तपश्चर्या करनी है। कठोर तपश्चर्या इसलिए कि अपने आप को परिमार्जित करना है, पूरे के पूरे अयोध्या वासियों को परिमार्जित करना है, और राम को आने के बाद वो राज्य मिले पूरा के पूरा, परिमार्जित अयोध्या मिले उनको, राम को ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलना पड़े जो आज हमारे 2014 से 2018-19 तक का जो शासन कर रहे हैं मोदी जी, उनके ज़माने में वो कहते हैं हमको तो सारा उन्होंने दिया है, कि उन्होंने मनमोहन सिंह ने जो कुछ है वो उनका दिया हुआ हम झेल रहे हैं पूरा, कर्जा भी उन्होंने दिया, वो भी उन्होंने दिया, वो भी सब उन्होंने, ये कहने की नौबत ना आए कहीं भगवान राम को, अरे हमको तो भरत का दिया हुआ है, भरत ने जो इस बीच किया था ना उसकी वजह से पूरा परिमार्जित पूरा के पूरा। समुजब कहब करत तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई, दोहा 323 अयोध्या कांड का दोहा 323। तुम जो कहोगे जो करोगे वही धर्म का सार होगा, हे भरत तुम जो कहोगे जो करोगे वो धर्म का सार होगा। धर्म के अवतार है भरत, धर्म के अवतार है साक्षात, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जो करना चाहिए जो आदर्श किया जाना चाहिए वो धर्म भरत कर सकते हैं, उन धर्म को संबोधित करके कहते हैं। राम मातु गुरु पद सिरु नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, उन्होंने भगवान के श्री राम की खड़ाऊ उनके पत्राण सिंहासन पर विराजमान किए, उनसे आज्ञा ली, नंदीगांव करी परन कुटीरा, हे राजन हे श्री राम मैं नंदीग्राम में जाके, नंदीग्राम अयोध्या के पास में है बिल्कुल समीप, एक गाँव है सामान्य गाँव,
जहाँ पर भरत ने उस अरण्य प्रांत में रह करके उसको राजधानी बनाया। अब इन्होंने क्या किया कि नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बना ली, जटाजूट सिर मुनि पर धारी, भरत ने जटाजूट धारण की, बड़ का दूध लिया, बड़ का दूध में जटाओं जटाओं को भिगोया और मही खनी कुश का सांथरी सवार, अपना भोजन अपना वस्त्र अपने नियम कठिन तपस्वियों को उन्होंने धारण किया। सारे कठिन तपस्वियों के इतने नियम थे, सुबह से शाम तक, सुबह उठना अर्ली मॉर्निंग, उठ करके स्नान करना, स्नान करके फिर जप में लग जाना पूरी तरह। भूषण भसन भोग सुख भूरी, मंथन वचन तजे तिन तूरी, अवध राज सिर राज सहाय, दशरथ धन सुनी धन दुलन। ये जो दशरथ का धन सुन करके धन भी लजा जाता है, इतना धन है वहाँ पर, इतनी ज़्यादा अयोध्या का ऐश्वर्य है, इसके बावजूद भी उस ऐश्वर्यपूर्ण नगरी में भी रह रहे हैं भरत। और जटाजूट वलकल वस्त्रों को धारण किया, सारे भोग सुखों का त्याग कर दिया, तहीं पूर्व बसत भरत बिन रागा, उसमें भरत रहने लगे, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई संपूर्ण अनासक्ति में कहीं कोई आसक्ति नहीं, ऐसे रहना। चंचरीक जिमि चंपक बागा, चंचरीक कहते हैं भौरे को, चंपक की चंपा के बाग में जैसे भंवरा घूमता रहता है, पर चंपा के पेड़ पे उसकी आसक्ति नहीं होती, उसकी आसक्ति होती कमल के फूल में। यहाँ तक कि कमल का फूल जब रात को बंद हो जाता है तो भंवरा कई बार उसमें अरेस्ट हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। बड़ी निराली लीला है वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी की, कि जो भंवरा होता है, जो खुशबू देख के आता है, वो चंपा की खुशबू से आकर्षित नहीं होता, वो कमल की खुशबू से आकर्षित होता है, कमल अच्छा लगता है। कमल के पुष्प में भोरे की आसक्ति है, चंपा के पुष्प में नहीं। चरण कमल, भगवान के चरण कमल जो हैं वो पुष्प की भांति हैं, कमल के पुष्प की भांति, यहाँ भक्त कमला सक्त रहता है। रमा विलास राम अनुरागी, वो उसको भक्त का मन आसक्त नहीं होता, भक्त का मन ये है कि हमको तो यहीं अच्छा लगता है। राम को जो प्रेम करने वाले हैं वो लक्ष्मी का विस्तार ऐसे त्याग देते हैं जैसे कोई उल्टी को त्याग देता है, कहीं किसी ने उल्टी की हो तो आप आज खड़े थोड़ी हो जाओगे, बदबू आ रही है, गंदी चीज जगह है, इस तरह से वो धन को त्याग देता है। राम प्रेम भाजन बरतु, बड़े न यही करतूती, चातक हंस सराहियत टेंक विभूर विवेक विभूति। भक्त होता है चातक की तरह से, भक्त होता है हंस की तरह से। भरत राम को प्रेम करते हैं ये तो सत्य है, राम के हृदय में ही भरत बसते हैं, भरत के हृदय में भी यदि राम बसते हैं तो राम के हृदय में भरत जो है उनका उनको उनके लिए कहते हैं चातक हंस सराहियत। चातक और हंस की सराहना क्यों होती है? ये रामचरितमानस जो है ना ऐसे विद्वान के द्वारा लिखी गई है और उस आयु में लिखी गई जब वो 80-90 साल के थे, वो इतना विद्वान हर जगह उपमा बहुत अच्छी, सुंदर 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 उपमा, सुंदर सुंदर हिंदी साहित्य का जो वो सार है वो पूरा अवधि भाषा में उन्होंने दे दिया। हंस जब दूध पीता है तो ऐसा कहते हैं वो दूध को, दूध में से पानी नहीं पीता, केवल दूध पीता है। कैसे पीता होगा बताओ, कोई बता सकता है कैसे पीता होगा? इसके पीछे पूरा केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है, पूरा हंस के पीछे। हंस जब पीता है तो हंस की चोंच में, उसकी जिह्वा में लैक्टिक एसिड होता है, और जैसे ही वो अपनी चोंच दूध में डुबोता है उसके दूध से वो लैक्टिक एसिड का घोल निकलता है, दूध को फाड़ देता है। तो वो क्या करता है, छेना छेना जो बन जाता है दूध में से, उस छेने को ले लेता है, दूध वो ले लेता है, और जो पानी बचता है वो छोड़ देता है। बाद में जब हंस जब पीता है दूध तो उसमें देखना बीच बाद में केवल पानी बचेगा, दूध वो पी जाएगा, दूध छेने के रूप में जाए, किसी भी रूप में जाए, गया दूध। ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि वो लेता दूध ही है, पानी में जितना दूध होगा उतना ही लेगा, पानी नहीं पिएगा। चातक पक्षी बारे में ऐसा कहते हैं कि चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, चातक केवल नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, वेट करता है स्वाति नक्षत्र का। ऐसे ही भक्त भी लक्ष्मी माता का विलास नहीं स्वीकार करते, न लौकिक उपलब्धि न अलौकिक उपलब्धि, उनको कुछ नहीं चाहिए। भरत की तपश्चर्या आरंभ हो गई, मोक्ष की अभिलाषा लिए हुए, प्रभु मिलन की अभिलाषा लिए हुए तप नहीं कर रहे हैं, मोक्ष को नहीं चाहिए, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको चाहिए श्री राम पद चरण अनुरागा। और स्थिति यह है कि तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, आभूषण भोग सारे सारे साधन की आकांक्षा छोड़ करके सारे अयोध्यावासी तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। अवध नरेश कब आएंगे, भगवान राम कब लौटेंगे? 14 साल तक पूरे अयोध्या में कहीं कोई बच्चे की किलकारी सुनाई नहीं पड़ी, बालक नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं हुए। क्यों, ऐसा क्यों?
इसलिए कि वहाँ इस प्रकार का वातावरण ही नहीं था, शादी का वातावरण नहीं था, वहाँ बच्चे के जन्म का वातावरण नहीं था, कुछ नहीं था। जो बच्चे थे वो बड़े हो गए 14-15 साल के, तब जाकर उनको पता चला कि यही है राम जिनके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। हम 1 साल की उम्र से, हम 6 महीने की उम्र से इंतजार कर रहे थे, वही राम है, श्री राम है। विलक्षण वर्णन है, अयोध्या का विलक्षण वर्णन है। अपने में परम प्रसन्न है वो लोग। भरत की तपश्चर्या आरंभ हो गई और भरत जो है, देह दिनह दिन दुबरी हुई, देह दिन 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 दुबली होती जा रही है, दुबली होती जा रही। घटे ही तेज बलु मुख छवि सोई, उनका मुख की छवि जो है वो तेज बढ़ता चला जा रहा है, पर मेद मेद यानी मेद जो मोटापा तोंद वो घटती चली जा रही है, वो घटती चली जा रही है। जबरदस्ती का जो फेट इकट्ठा हो जाता है ना, वो घटता जा रहा है। क्यों? तप के कारण, तप के कारण। तुलसीदास जी का तेज से मतलब प्रकाश, प्रकाश नहीं, उनका तेज से मतलब है मेद यानी चर्बी, व्रत उपवास से चर्बी छटने लगती है, मुख की छवि बढ़ जाती है, कांति यथावत रहती है। निज नव राम प्रेम पनु पीना, बड़ धर्म दलु मने न मिले। राम के चरणों में भरत का प्रेम नित्य प्रति बढ़ रहा है, जैसे जैसे चेतना शुद्ध हो रही है। ये सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ जो छूट गई थी, चेतना की शुद्धि परिष्कृत होना और तपश्चर्या को पराकाष्ठा पर पहुँचाना, वो राम ने, भरत ने 14 साल में की जो वहाँ रह करके। पर ये बड़ा कठिन काम था, राम प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे, राम ने अपनी फोटोग्राफ भी ऑटोग्राफ करके नहीं दी उनको कि ये लो हमारी फोटोग्राफ रखना। राम की स्मृति पास में है बस, राम का ध्यान पास में है बस। भरत की चेतना राम की चेतना से तदाकार होती जा रही है, तदाकार होती जा रही। ऐसा ध्रुव विश्वास है उनका, स्वामी सुरति सुर विधि विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। ऐसा है भरत का मन, शम दम नियम नक्षत्र की तरह से प्रकाशित हैं, 14 वर्ष का तप करना है, ये ध्रुव विश्वास है, ध्रुव तारे की तरह अटल है, कहीं कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई उनके मन में भी अंदर कोई विकार नहीं आ रहा है, हम छोड़ देंगे बीच में, कहाँ इस चक्कर में पड़ना, 14 साल तो कहीं भी बिता के आ जाते हैं, कहीं जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, कहीं भी चले जाओ और जा करके रह आओ, 14 साल बाद आ जाना, वो कहना हाँ हम यहीं थे आपके लिए, ऐसा नहीं कर सकते। भरत तो भरत है, मर्यादा के अवतार है, मर्यादा के अवतार राम के भाई हैं। भरत रहनी समुझनी कर तुति, भगति विरति गुण विमल विभूति। भरत की निर्मलता निरंतर बढ़ती चली जा रही, तपश्चर्या कुछ विचित्र सा सत्य है जीवन का। विघ्न होते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन जब ईश्वर प्रेम में अनुराग में अनुरक्त होकर भक्त तपश्चर्या करता है तो अंधकार छिन्न भिन्न होता चला जाता है। अंधेरे की घटनाएं घिरती हैं लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। अंधेरा कितना भी हो, सघन हो इन सब के सामने, पर वो छिन्न भिन्न हो जाता है पूरा, और तुरंत प्रकाश आ जाता है। जिह्वा नाम जपती है, आंखों से आंसू बहते हैं, प्रेम के अश्रु, लखन राम से कानन बसहीं, भरत भवन बसी तप तनु कसे। तप तनु कसहीं यानी शरीर को कस रहे हैं अपने, और अपने अंतर जगत को प्रकाशित कर रहे हैं पूरी तरह से। सब लोग कहते हैं भरत सब तरह से सराहना के योग्य हैं, सब विधि भरत सराहन जोगो, इनकी तपस्या गजब की है, बड़ी गजब की। जो अंधकार अयोध्या में घिरा था वो तब से निष्प्रभावी होने लगा। जो अंधकार अयोध्या में क्यों हुआ था, क्योंकि पहले से जो वातावरण ऐसा था वो सिर्फ तप के माध्यम से निष्प्रभावी होने लगा, और अब राम भी नहीं है, महाराज दशरथ भी नहीं है, अयोध्यापुरी का क्या होगा, चारों तरफ अंधकार उमड़ने लगा था, अंधेरी घटनाएं घिरने लगी थी, और केकेई के जो घटनाक्रम घटे उनसे भी थोड़ा सा अंधकार, अंधकार का मतलब है तमस, तमस का बढ़ना, तमस का बढ़ना, जो तमस बढ़ गया था वो भारत के तप के उगने के कारण जैसे सूर्योदय होता है ऐसे हो गया, और उससे सीधे सीधे सारे अंधकार के बादल छटने लगे। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करणु, हरण कठिन कली कलुष कलेसु। मोह निशा को नष्ट करने वाले सूर्य की तरह भरत का तप, भरत का आचरण परम पवित्र, ऐसा कठोर व्रत। पतंजलि कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, क्या है काया क्रिया योग, क्या है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, उनका चरम सीमा पर स्वाध्याय मंत्र जप स्वाध्याय है उनका, निरंतर वो मंत्र जप के माध्यम से अपने को राममय बना रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह से है, कभी तुमको मौका लगे तो बालकांड के शुरू के 10-20 श्लोक 30 श्लोक पढ़ लेना केवल, बस उसमें राम की महिमा बताई गई, राम नाम की महिमा बताई गई। राम क्या है, र अ और म, तीन का समन्वय है, र अ और म,
मैंने एक क्लास पूरी ले चुका हूँ इसके ऊपर, राम के ऊपर 9 दिन तक पूरी क्लास ली मैंने। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, र यानि भानु सूर्य, र यानि भानु कृष्ण, और कृषाणु यानि चंद्रमा, जो दूसरा है अ, अ यानि अग्नि, और म जो है उसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश म यानि महेश, अग्नि सूर्य चंद्रमा सब उसमें मिले हुए हैं। कठिन तप और विरल स्वाध्याय, ईश्वर परिधान का तो कहना ही क्या, अविरल अडिग भक्ति है भगवान की, भरत की। भारत में समूचा क्रिया योग साकार हो गया, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति उनकी विरल अविरल भक्ति। राम के सामने बड़ी कठिन परीक्षा थी, रावण सामान्य आदमी नहीं था, मैं पहले कह चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, रावण का वध संभव नहीं था, रावण का वध किसी के द्वारा संभव नहीं था, कोई देवी कृपा ही होती तो उसी से रावण का वध संभव था। और रावण का वध क्यों जरूरी था, क्योंकि रावण के पास प्रबल पुण्य था और प्रबल तेज था, तप का तेज था, तप का तेज रावण के पास। अकेला रावण नहीं, पूरी की पूरी लंका में ऐसे ऐसे असुर थे जो किसी ने ब्रह्मा जी से ले रखा था, किसी ने विष्णु जी से ले रखा था, किसी ने किसी से ले रखा था, सबने अपने अपने वरदान ले रखे थे। इसीलिए लंका स्वर्ण की स्वर्णमयी लंका चमकती थी, दूर दूर से देखते थे लोग, क्यों, तप का तेज। पर इस तप में विवेक नहीं है, इस तप में प्रकाश नहीं है, इस तप में अभी जो स्थिति है उसमें उनके पास वरदान बहुत है, खजाना हो जाए कितना ही हो जाए, खर्च तो होगा, कभी न कभी खर्च होगा। मुकेश अंबानी के पास ऐसा कहते हैं अरबों रुपये है, ये खर्च हो जाएंगे, उनके श्रीलंका वालों के पास भी अरबों खरबों रुपये थे, सोने की लंका थी पूरी पूरी। पर ये 10-20 अरब हो, 30 अरब हो, 100 अरब हो, 200 अरब हो, कभी न कभी तो खत्म होगा। हमारे ये फेसबुक का जो है मालिक, क्या नाम है उसका, मार्क जुकरबर्ग, उसका नाम ऐसे याद है जैसे कि कोई हीरो का नाम याद है। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया कि अभी 4-5-6 रोज पहले उसने एक्सपोजर कर दिया अपना, कि भाई वो मेरी वजह से कई लोगों के डेटा मैंने चुरा लिए है। उसके ये करते ही 5-6 दिन के अंदर उसकी सारी संपत्ति करीब करीब $15,000 उसके ख़त्म हुए पूरे पूरे, ही लॉस्ट इट। और उसके बाद जितनी संपत्ति हो सकता है वो फिर लूज कर जाए, पर ये लोग क्या फिर कमा लेते हैं। अब ये क्या है, निशाचरी लंका, अतिकाय अकंपन देवांतक नरांतक, कितने वरदानी असुर थे वहाँ पे, किसी ने ब्रह्मा से पा लिया था, किसी ने शिव से पा लिया था, किसी ने तपस्या करके, इंद्रजीत था उसके पास बड़े भयंकर वरदान थे, उसकी तपस्या अमोघ थी। रावण की लंका का जो अटल राज्य था, अविचल राज्य था, वो इसलिए नहीं था कि रावण बड़ा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए था कि रावण के पास तप और पुण्य का अक्षय भंडार था। पंडित जरूर था, रावण पंडित था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन एक दुर्भाग्य, एक विषाद की बात, एक दुर्गुण भी गड़बड़ हो तो सब कुछ करते था गड़बड़। वो अंधेरे का संवाहक था, वो तमस का संवाहक था, रावण अंधेरे का संवाहक था, तमस को लेकर चल रहा था साथ में, इसलिए वो जो श्रेष्ठ कार्य करता था उसके साथ भी तमस जुड़ जाता था। हनुमान जी जब रावण की लंका पहुंचे तो बोले, अगर ये व्यक्ति सद्गुणी होता, सन्मार्ग पर चल रहा होता, तो तीनों लोकों का संरक्षक होता, तीनों लोकों का संरक्षण कर रहा होता। पर दुर्भाग्य इसका कि देश भटक गया, ऐसे रावण को समाप्त करना किसी के लिए संभव नहीं था। श्री राम जैसे विष्णु के अवतार और नारायण स्वयं साक्षात स्वयं जब आते हैं तब करते हैं, वो अपनी सेना साथ लेके आते हैं, सेना भले ही वानरों की हो, रीछों की हो, कुछ भी हो, पर उनके साथ सारे सारे देवता हैं, देवी देवता जितने सब आते हैं, उनके साथ रावण के तप की शक्ति को विलीन कर सके, भरत का तप उनमें समाहित हो रहा है, राम के तप में भरत का तप मिलता चला जा रहा है। जब भरत ने कहा कि आपकी मदद करने के लिए हम अपनी सेना लेके आ जाएं अयोध्या से, नहीं, तुम वहाँ बैठ के तप करो और उस तप की आहुति हमारे 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 तप में डाल दो, हमारे साथ डाल दो। क्या जरूरत है भगवान राम को ये कहने की, ये बोध कराने की, कि भगवान के तप में सब सेवकों का भी तप मिल जाए, बड़ा युग परिवर्तन जैसा काम होता है, जैसे ये शांतिकुंज के द्वारा हो रहा है, उसमें सबकी जरूरत है, सबका बूंद बूंद कंट्रीब्यूशन सबकी जरूरत है। इसलिए हम अनुष्ठान करते हैं, महापुरुष चरण करते हैं, जगह जगह हम कहते हैं सब लोग करो। जब अगस्त का तप था वो राम में मिल रहा था, विश्वामित्र का तप राम में मिल रहा था, वशिष्ठ का तप राम में मिल रहा था, और सारे तपस्वी प्रकाश फैला रहे थे, रावण अपने पुण्य के बल पर, अहंकार के बल पर अंधकार फैला रहा था, वो तो अंधकार फैला रहा था और ये तपस्वी प्रकाश फैला रहा था।
इस अंधकार को विसर्जित होना था, इसके लिए कितने ही तपस्वी लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है जब आगरा के सिंहासन पर बैठा, जब शहंशाह बना तो कट्टर था, लेकिन पहले कट्टर नहीं था। पहले उसने आते ही सांप्रदायिक नहीं था, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता था, बाद में हो गया। उसको गुस्सा आ गया, वो जिसको प्रेम करता था, जिसने जिससे वो विवाह करना चाहता था, उसका नाम था उदयपुरी बेगम, वो छोड़ के चली गई, उसको छोड़ के चली गई, हिंदू थी, उदयपुरी बेगम छोड़ के चली गई। इसके पहले औरंगजेब जो था वो सब लोगों को समान प्यार करता था और शासन भी बड़ा अच्छा कर रहा था, पर जब कठोर कट्टर हो गया तो अजीब अजीब नियम बना लिए और बादशाह के रूप में उसने धरती पर मुसलमान नहीं ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, उसने एक नियम बना दिया। और क्या होता था, लोग जन ब्राह्मणों को कटवा देता था और कहता था सबके जनेऊ उतार लो, और जनेऊ के हैं सवा सवा मन जनेऊ एक एक स्थान से आना चाहिए मेरे पास। तो न जाने कितनी जगह से सवा सवा मन जनेऊ आए इसके पास भारत, सोचो कितना संहार किया होगा उसने। वो जो मस्जिद बनी है ना बाबरी मस्जिद, इसके बारे में कहा जाता है कि बाबर की बनाई हुई है, पर औरंगजेब ने इसके अलावा भी बहुत सारे जगह, श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थल है मथुरा में, वो और भी कई जगह उसने अत्याचार किया। कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार किया, कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर की शरण में आए, बोले महाराज औरंगजेब बड़ा अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कहा कर रहा है वो, मरेगा नहीं, क्यों, उसके पास पुण्य बल बहुत है, पिछले जन्मों के कई संस्कार लेके आया है, उसका योग है कि वो मुस्लिम धर्म में जन्मा है, पर वो पुण्य बल लेके आया है, उसके पास पुण्य बहुत है, प्रकृति इजाजत नहीं देगी उसको मारने की, कैसे होगा फिर। चार पांच ब्रह्मज्ञानियों ग्रानियों की अगर हत्या उसके हाथों हो जाए, चार पांच ब्रह्मज्ञानियों की हत्या उसके हाथों हो जाए तो तब मरेगा वो। अब वो कैसे होगी, तो गुरु तेग बहादुर बोले पहला बलिदान मैं करता हूँ। गुरु तेग बहादुर ने पहला बलिदान किया कि स्किन खींच खींच के निकाल ली गई ओपन चांदनी चौक में, चेहरा चौराहे पर पूरी। फिर दूसरा बना बंदा मेरागी मरे, इनको भी इसी तरह से मारा गया प्रताड़ित करके। तीसरे दारा शिकोह जो उनका भाई था, तीसरा और चौथा सूफी सरवत नाम था उसका, वो उसको भी मारा गया, बुरी तरह से मारा गया, खून पहले आंखें निकाल ली फिर वैसे मारा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को मरवाया तो उसका पुण्य क्षीण हो गया, पूरा क्षीण हो गया। उसके बाद फिर उसके मरने की बारी आ गई। पुण्य जब क्षीण होते हैं पापी लोगों के, तब वो समाप्त होते हैं, तब उनके समाप्त होने का नंबर आता है। रावण भी कितने ऋषियों से टैक्स लिया, खून लिया, पुण्य ही उसका क्षीण नहीं हो रहा था। इतने से काम नहीं चला तो सीता को उठा के ले गए, जगन माता को उसने, लक्ष्मी को कैद में रख लिया। राम उसके कारण वन भटके, फिर भी उसका पुण्य कम नहीं हुआ। विभीषण उसको छोड़ के चले आए, एक लात मारी, भक्त का अपमान हुआ, तो उससे जो थोड़ा सा तपोबल उसका कम हुआ। राजलक्ष्मी रूठी रावण से, फिर सबका सम्मिलित, तब स्वयं नारायण सामने, तब रावण का अंत हुआ। ये सुनने में तुमको वैसे अजीब लग रहा होगा, परंतु वास्तव में ऐसा ही है। ये रावण महाबली था, महातपस्वी था, उसने पूरी पूरी कैलाश को उठा लिया था हाथ में। शिवजी बैठे हुए हैं ऊपर, और नीचे से कैलाश को जड़ से उखाड़ के उसने ऊपर से हाथ में ले लिया। बड़ा बलिष्ठ था, तपस्वी था। प्रकृति कर्म की भाषा समझती है। आपने अच्छा किया है तो अच्छा देगी, बुरा किया है तो बुरा देगी। आपको अगर आज बुरा मिल रहा है तो उसका कारण यह कि आपने बुरा किया है, और अगर आप अच्छा करना चालू कर देंगे आज से, अच्छे कर्मों की खेती आज से चालू कर दो, तो आप देखिए कि आपको सब अच्छा मिलना लगेगा। तब तक उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, जितना आपके खाते में है वो आप सारा के सारा ले जाओ, पूरा पूरा। भरत जी की तपश्चर्या, उनका मुमुक्षुत्व, उनका तप रहा प्रारंभ यथावत, उनका तप क्षीण होता जा रहा था। किनका? उनका तप तीव्र होता जा रहा था, और तप तीव्र होते होते कठिन होता जा रहा है, निष्काम निष्कलुष निर्दोष तप। उनके परीक्षा ली वशिष्ठ ने, राम ने उनको खड़ाऊ दी, और अभी एक महापुरुष का आगमन बाकी था, हनुमान जी का। हनुमान जी आए, भरत जी से दो बार भेंट हुई। एक वो जा रहे थे वायु मार्ग से, कौन? हनुमान जी। किसको लेके हाथ में? संजीवनी बूटी को। संजीवनी बूटी नहीं मिली तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। उन्होंने कहा इसको ले चलते हैं पूरे को, ये हनुमान है तो बड़ा ही काम करेंगे, छोटा काम तो करेंगे नहीं, कोई वो हमें ढूंढने में टाइम लगा देंगे, तो मालूम नहीं लक्ष्मण जी का क्या होगा। उन्होंने कहा ले चलो इसको। लंका कांड के 258 में है, बिनुफर सायक मारे ऊ चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने देखा ये कौन जा रहा है, कोई निशाचर है ये, तो उन्होंने भरत ने एक बाण ऐसा जिससे कि कोई आदमी मरेगा नहीं, पर उसको रुकना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। हनुमान जी जैसे महाबली के ऊपर, भरत का उस बाण में भरत का तप था, वो बाण भरत जी ने नंदीग्राम से चलाया तो वो जाके उनको लगा।
लंका कांड पे आ गए हम लोग अयोध्या कांड छोड़ करके। परेव मूर्छि मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक, और राम 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 बोलते बोलते नीचे गिरे आ करके। फिर जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो बहुत बुरा हो गया, हमने किस पे बड़ा बाण चला दिया, तो राम भक्त हैं। उन्होंने बात बहुत बार जगाया हनुमान जी को, लेकिन भरत ने सोचा कि क्या हमसे अपराध हो गया, जिन कर्मों ने मुझे राम से विमुख किया, राम से दूर किया, उसमें फिर ये दुख और तकलीफ मेरे सामने क्यों आ गया। उन्होंने देखा आप कौन हैं प्रभु, उठिए, पानी डाला मुँह पर, मूर्छा दूर की। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने कहा कि ये कौन है भाई, मैं कहाँ आ गया, भरत का वेश, भरत का रंग रूप, अरे बिल्कुल श्री राम जैसा, भरत बिल्कुल राम जैसे लगते थे, वही कलर, वही ड्रेस, वही यूनिफॉर्म पूरी की पूरी, और वैसे ही वेश धारण करके बैठे थे वनवासी का। मेरे सामने राम खड़े हैं, भरत ने परिचय दिया, मैं राम नहीं हूँ, मैं भरत हूँ, उनका छोटा भाई। तो उन्होंने कहा किस तरह से तपस्या देख कर रहे हैं, बड़ी गजब की तपस्या है, तो मुमुक्षु तो बड़ा सच्चा है इनका। उन्होंने कहा भरत के हृदय में भगवान की भक्ति सच्ची है, जब भरत के हृदय में जो वो सब कुछ है जो उन्हें राम से मिलाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जब कुशल क्षेम पूछी कि तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज और माती जान की, भाई बताओ, भाई तुम बताओ हमारे अनुज कैसा है, हमारा लक्ष्मण कैसा है, माता जानकी कैसी हैं, कपि सब चरित समास बखाने, कपि ने मतलब अपने हनुमान जी ने सारा वर्णन दिया, भय दुखी मन महु पिस, हमने आपको मारा, आपको नीचे गिरा दिया, बड़ा दुख है। बोले कोई बात नहीं, आप हमें फिर से पहुँचा दीजिए। तो भरत ने एक बाण लिया और ये कहा ये बाण के ऊपर आप पहाड़ सहित धारण हो जाएंगे, ये बाण नहीं है, ये मिसाइल है, मिसाइल एपीजे कलाम साहब वाली इसके ऊपर बैठ के जाइए। तो एक बार इनको हंसी आ गई हनुमान जी को कि मेरा वजन पहाड़ का वजन, और उसके बाद वो पूरे अयोध्या तक वहाँ पहुँचा रहे हैं, मुझे कैसे जाएंगे। फिर शायद उन्होंने तुलसीदास ने लिखा है कि कभी कभी मोह भी हो जाता है, कभी कभी अहम भी आ जाता है, ऐसा अहम छोटा थोथा अहम हनुमान जी को भी आया कि हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा इंजीन का एक तीर मेरे को कैसे पहुंचा देगा। भरत जी के बारे में कहा जाता है सच्चा, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर उसके बाद उनको अंदर से एक इल्यूमिनेशन हुआ, नहीं नहीं नहीं, भरत के बारे में जो कहा जाता है सच्चा, जिस तप की चर्चा हो रही है वो सही है, वास्तव में इनके तप में वो शक्ति है, इनके तप में बाण में शक्ति, बाण पर धारण किया, भेजा तो सीधे रामचंद्र जी के पास जाके पहुँचे, वहीं जहाँ लक्ष्मण जी थे। हनुमान जी ने अनुभव किया कि इस बाण से भरत के तप का प्रभाव, जिस बाण से गिरकर के मूर्छित हुए रुद्रावतार, वो सामान्य तप नहीं होगा। इनके संकल्प ने प्रभु हनुमंतई कहा बुझाई, उस मुमुक्षुत्व की परीक्षा के लिए जब भरत का तप शिखर पे पहुंचा 14 वर्ष के बाद, तो उन्होंने कहा श्री राम जी ने अब तीसरी परीक्षा हनुमान जी की दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा तो ये वाली, दूसरी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा अब की बार हनुमान बनकर मत जाना भाई, अब की बार तुम जाना ब्राह्मण बालक यानी बटुक ब्रह्मचारी बनकर। लंका कांड का दोहा 120। देख लेना अगर थोड़ा सा भी मन भरत का अयोध्या में लगा हो और अयोध्या का राज्य पाने की इच्छा हो, तो हम नहीं जाएंगे अयोध्या, नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे भरत ने संभाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी ने आ गए और लौकिक और अलौकिक उपलब्धि की बात तो अलग है, उन्होंने देखा भरत के मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, भरत का तप अविराम, भरत की भक्ति निर्दोष, भरत की मानसिकता, उनका विचार, उनका प्रेम, निष्कलुष प्रेम देखा, उन्होंने कहा गजब की बात है। आकर के उन्होंने रास्ते में लौटने में, तब तक भगवान राम यहाँ तक आ चुके थे पुष्पक विमान से इलाहाबाद तक, प्रयाग तक, और यहाँ आकर के स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ से भेजा था हनुमान जी को तुम देख के आओ। अच्छा, भगवान को जरूरत नहीं थी भेजने की, पर केवल एक परीक्षा के तौर पर उन्होंने भेजा, और उन्होंने कहा कि तुम जाके पता लगा के आओ, तुम अपनी आंखों से देख के आओ कि वास्तव में कहीं उनको जो वैराग्य हुआ है सच्चा वैराग्य है या ऐसा मुमुक्षुत्व प्राप्त हुआ कि नहीं, मुमुक्षुत्व की ओर दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं। भरत को तो यथावत विराग, 14 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, 14 साल किसको कहते हैं, 14 साल में तुम लोग बढ़ के इस लायक हो गए, 3-4 साल के थे गोद में मम्मी की खेलते थे, और 14 साल में इतने बड़े हो गए कि तुम अब मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गए, तुम में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई क्या बनेगा, सबके सब उस 14 साल के अंदर बढ़ गए, बड़े हो गए। 14 साल में मैं न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं आया यहाँ तो मैं 27-28 साल का था, और 14 साल में मैंने पूरे विदेश में और सब जगह सबकी यात्राएं कर ली थी, करीब सभी देशों में घूम चुका था। 14 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, 14 साल में भगवान ने देखा कि इसे तो पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर सेवित दृढ़ भूमि, ये जो
तप है, इतनी विलक्षण चीज है कि साधना दीर्घ काल तक चलती रहे, निरंतरता पूर्वक, कंटिन्यूटी नीड्स टू बी मेंटेन, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसमें न व्यवधान हो न बाधा, मन दृढ़ भूमि हो गया हो, ऐसी भरत की साधना थी। तप वो होता है, मुमुक्षा वो होती है, साधना वो होती है भगवान के मिलन में, एक भी राम राग विराम न ले। उपनिषद कहता है शुर से धारा निष्ठा दुरत्य दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती, है ना, उठो जागो मत, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये हमारे वो उसका ईशावास्य उपनिषद का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। दशा भरत की जो थी, हनुमान जी पहले देख के आए थे, वो देखा था वही की वही थी। उन्होंने कहा भरत जी की स्थिति वैसी की वैसी है, न तन बदला, न मन बदला, न वचन बदले, न भाव बदले, दिन दिन प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। हनुमान जी ने देखा इनकी परीक्षा कौन ले गए, तो परीक्षक से भी बड़े हैं, एग्जामिनर से भी बड़ा कोई आदमी आ जाए तो वो एग्जामिनर को क्या एग्जामिन करेगा, एग्जामिनर उसको क्या एग्जामिन करेगा, वो खुद ही उसको एग्जामिन कर लेगा। उन्होंने कहा भक्ति तीव्र हो रही है, मंद नहीं हो रही, अब तप पूर्ण हो रहा है, परिणाम का समय है, अब प्रभु मिलन का समय है। आपका तप पूर्ण हुआ, उत्तरकांड में हम आ गए, लास्ट उत्तरकांड। जासु विरह सोचौ दिन राते, जिनके विरह में आप निरंतर सोचते रहते हैं, रटौ निरंतर गुणगण पाती, वो आपका निरंतर गुणों का गान कर रहे हैं, वो आ गए हैं अब। रिपुरन जीति सुजस्तुर गावत, ये सुनाते हैं उनको हनुमान जी, उनके सामने गा के सुनाते हैं। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमी पाही पीयूषा। छोटे परीक्षक छोटे रहे, भरत का आकार भरत का कद सबसे बड़ा हो गया। राम प्रेम का ऐसा उदाहरण, राम भक्ति की ऐसी तपश्चर्या, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के जीवन चरित्र को समाज संक्षेप में बताया, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो जन्मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरण को। यदि भरत का जन्म न होता, रामचरित में यदि भरत का चरित्र न जुड़ता, ऐसा कठिन तप, ऐसी भक्ति निर्मल तप करने वाला व्यक्ति न होता, तो ऐसी निर्मल चेतना की सिखावना कौन देता, जिसको कुछ चाहिए नहीं था। कहते हैं संसार में भक्तों के सामने उदाहरण कौन रखता, भक्तों के दुख की जलन कौन दूर करता, दंभ के दोष को अपने सुयश से कौन हरता। इस कलयुग में जब अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है, तुलसी जैसे भक्तों को कौन राम के सम्मुख करता, ये हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं। कई बार सोचा जाता है कि परीक्षाएं कितनी कठिन हैं, लेकिन भक्त के लिए कोई संकट कठिन नहीं होता। संकट दिखता है ना, जितना सघन है उससे ज़्यादा उसके अंदर आराध्य का सामीप्य है, आराध्य का सामीप्य, आराध्य राम हमारे नज़दीक हैं ये बार बार उनको लग रहा है। जितनी पीड़ा है उतनी प्रताड़ना से संसार देता, उतना ही वो निर्मल होता चला जाता है। जितना परीक्षा होती है, जितना प्रताड़ना होती है, जितनी प्रकृति सिखाती है, उतना ही आदमी निर्मल होता चला जाता है। प्रकृति तो एक ही भाषा समझती है, कर्म की भाषा। कबीरदास जी कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी मैंने सुनाया था तुमको श्लोक, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजन हार, साबुन सृजन हार, सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु धोबी है शिष्य कपड़ा, और साबुन है विधाता स्वयं, और उसका नाम और उसका स्मरण, और वो है पत्थर। धोबी वॉशिंग मशीन में कपड़े से नहीं धोता, शहरों में धोते होंगे पर नवयान नहीं धोता, वो क्या धोता है, वो गंगा जी में या किसी भी नदी में पटक पटक के कपड़ा धोता, डुबा डुबा कर, हमारे सुरति शिला पर, सुरति शिला, सुरति है ना जिनका स्मरण करें, सुरति पर भक्त अपने मन को पटकता रहता है राम प्रेम के साथ, राम स्मरण, उसमें इतना कपड़ा पटका जाता है साबुन लगाकर, उतना ही चित्त प्रकाशित होता जाता है, अपने आप चित्त प्रकाशित होने लगता है। भरत की तपश्चर्या का प्रकाश बढ़ता ही गया, प्रत्येक परीक्षा उनको प्रकाशित करती गई, अंतिम परीक्षा ने उनको मुमुक्षुत्व की परीक्षा में पास कर दिया। सदा के लिए, सर्वदा के लिए, प्रत्येक क्षण के लिए भरत और राम का ये मिलन, परीक्षा की संपूर्णता का मिलन, शाश्वत मिलन हुआ भक्त और भगवान का, भरत और राम एक हो गए। इस कहानी से, श्री रामचरितमानस की इस कहानी से, जो कि जीवंत गाथा है भगवान राम की और भगवान राम के साथ साथ उनके छोटे भाई भरत की, हमको एक सबक मिलता है कि हमको भक्ति का जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारा भक्ति का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारे मन में लगन लगे भगवान के प्रति, राम के प्रति लगन लगे, कृष्ण के प्रति लगन लगे, बुद्ध के प्रति लगन लगे, जिस भगवान को हम मानते हैं उनका लगन लगे, और लगन लगे और लगन के साथ साथ हम अपने आप को उनके पास पूरी तरह समर्पित करते हैं, पूरी तरह से लगा दें अपने आप को। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे, हमें श्रेष्ठता नहीं मिलेगी, उत्कृष्टता नहीं मिलेगी, हमारे जीवन में इनका प्रवेश नहीं होगा। बस आज की बात यहीं समाप्त, हमारा कथा का पूरा 8 दिन का समुच्चय समाप्त, और इसके बाद ये बताओ तुमको कैसी लगी कथा भरत की। भरत का जीवन तुम्हें प्रेरणा देता है,
और भरत का जीवन अगर प्रेरणा देता है तो भरत के जीवन से कुछ सीख लो, कुछ सीख, क्या सीख लें? मैं नहीं कहता कि तुम तप करो भरत की तरह से, नंदीग्राम चले जाओ, कुछ ढूंढ लो, नंदीग्राम बना दो और जटाजूट धारण करके बैठ जाओ, नहीं, तुम घर में ही रहो, तुम आराम से जैसे हो वैसे ही रहो, कपड़े यही पहनो जो तुमने पहन रखे हैं, पर अपने जीवन में थोड़ा सा, तुम्हारे जीवन में तप का समावेश होना चाहिए, तप थोड़ा सा, स्वाध्याय थोड़ा सा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, ये तीन चीज़ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी तो बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आरती के लिए आ जाओ, चलो आज गायत्री मंत्र माता की आरती करेंगे। ॐ यं ब्रह्म वेदां कविनो वदन्ति परं प्रधानो पुरुषस्तथान्ये विश्वो गते कालमीश्वरं वा तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्र मरुतः श्रुवन्ति विद्वेस्तवै वेदै साङ्गपदकमोपनिषदै गायन्ति यं सामुदा ज्ञानावस्थितलगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय माता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जगपालन करते माँ जगपालन करते दुख शोक भय केश कलह दारिद्र दयन हरते। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे भव भय हारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भय हारिणी भव तारिणी अनगे अज आनंद राशि माज आनंद राशि अविकारी अघहरी अविचल अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सचित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता दिव्यज साम अथर्व प्रणय प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा सदा सची ब्रह्मानी राधा रुद्राणी सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीन हीन दुख दारिद के घेरे दारिद के घेरे यद्यपि कुटे कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये सूर्योदय निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी पुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सत मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता। हाथ ऊपर कर ले।
मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। श्री राम नवमी के इस पर्व पर श्री राम के चरणों में प्रणाम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे ओम शांति 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 सर्वार्ष्ट सुशांतिर्भवतु। गुरुसत्ता को प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधाय